हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और जहां पूरा जिला मानसून की बारिश का इंतजार कर अकाल की आशंका से चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर जवाई बांध से जिले में पेयजल सप्लाई के लिए छोड़े जाने वाला पानी जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यर्थ बहाया जा रहा है। जिले के सोजत रोड इलाके में शुक्रवार को जलदायक विभाग के कर्मचारी की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी जीएलआर से व्यर्थ बहता रहा। यहाँ के ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ज्ञात रहे कि जिले में मानसून की बेरुखी के कारण जहाँ अकाल के बादल संकट बनकर मंडराने लगे हैं, जवाई बांध को छोड़कर जिले में तमाम बांध खाली पड़े हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो जवाई बांध भी फरवरी के बाद जिले के लोगों के हलक में पानी उतारने से हाथ खड़े कर देगा। ऐसे हालातों के बाद भी जलदाय विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पड़ रही है। यह मसला केवल सोजत का नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने वाले पानी बर्बादी की रोजाना कहानी बन चुका है। आए दिन यहाँ पर बर्बादी की शिकायतें मिल रही है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।